नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वीर वीरांगनाओं की धरती राजस्थान के मेरे परिवारजनों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य की सभी सीटों पर भाजपा को जिताने की ठान ली है। कोटपुतली में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे प्रदेश की कर्मठ जनता के सानिध्य का सुअवसर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने देखिए सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी, बताया कि उनका दौरा है और धरती को नमन भी किया। इस कवर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विष्णु, प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम क्योंकि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिग्गजों के दौरे रहेंगे लेकिन सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री की एंट्री, कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसी तैयारी है ग्राउंड पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुधरा में एंट्री कर रहे हैं। अब लगातार इनके दौरे शुरू होंगे। प्रधानमंत्री के लिए मरुधरा काफी मुसीबत भी है क्योंकि पिछली बार 2014 में 25 मंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस सीट प्रचंड जीत के बाद, और उसके बाद फिर सीटें तो बीजेपी से जो राजस्थान मरुधरा है वहां पर 25 से 25 सीटें आई थी। इस बार भी मिशन 25 को लेकर चल रहे हैं, यानी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। हालांकि कुछ सीटों पर कंटेस्ट है लेकिन प्रधान पहुंचते हैं तो माहौल बदल जाता है। ये अमूमन राजनीतिक जो पंडित है वो बोलते हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं वहाँ कई माहौल बदल जाता है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री जब एंट्री कर रहे हैं तो यह माहौल बदलने की तैयारी है। रही बात कोटपुतली की, तो यहाँ पर कोटपुतली की जो एंट्री है वहां पर पुलिस का व्यापक बंदोबस्त है, डाइवर्ट कर दिया गया वाहनों को क्योंकि अब सभा के दौरान वाहन बंद रहेंगे, और जो सभा में शामिल होने के लिए दूर दराज के इलाके से लोग वाहनों में लगातार उनके लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोगों का सिलसिला बना हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं प्रधानमंत्री की सभा में। आज भी यहाँ पर सभा होने जा रही है। में कितने तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? संख्या का आकलन जो है वो ज्यादा अमूमन सभा के बाद करते हैं क्योंकि लगातार सभा के दौरान भी लगातार लोग आते रहते हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लगातार कवर किया था, तब देखा था कि जो सभा स्थल है उसके बाहर भी उससे कई ज्यादा लोग कई सभाओं में देखे गए थे। तो ऐसे में एक अनुमान का जो है आकलन वो सभा के बाद किया जाता है क्योंकि अभी लगातार लोगों के आने का सिलसिला है। हालांकि लाखों की तादाद में दावा करते हैं जो पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी, लेकिन असली आकलन तब होता है जब जगह क्या क्या। और प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर किस किस को जगह मिल रही है, कौन कौन मौजूद रहेगा, कौन दिग्गज? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे। हालांकि सीपी जोशी अभी नामांकन भर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ चित्तौड़ में नामांकन भरने के साथ वो हेलीकॉप्टर से वहां से रवाना होंगे दोनों, और वहां से फिर कोटपुतली पहुंचेंगे। और इनके साथ ही जो अन्य नेता है बीजेपी के प्रमुख नेता विनय सहस्त्रबुद्धे है, विजय सह प्रभारी है विजय राठकर, तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ मंच पर रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोपहर करीब 1:25 पर यूपी से रवाना होंगे और उसके बाद जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जयपुर हवाई विशेष विमान से, और जयपुर हवाई अड्डे से वो हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर से कोटपुतली पहुंचेंगे। कोटपुतली में हेलीपैड से सभा स्थल पर जाएंगे तो करीब 3:35 पर वो मंच पर पहुंचेंगे और वहां से सभा को संबोधित करेंगे। 4:05 तक वहां रहेंगे और 4:10 पर वहां से रवाना हो जाएंगे और हेलीपैड से पहुंच के वापस दिल्ली रवाना होंगे। तो इस दौरान आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या खास रह सकता है, ऐसा कुछ जो ग्राउंड पर तस्वीरें बन रही हूं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है उनका संबोधन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो जनता को जोड़ती भी है, जन इससे जुड़ी भी होती है, आज क्या खास रह सकता है, कुछ निकल कर आ रहा है अंदर खाने से? क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा जब भी आते हैं उनका सबसे है जो परिवारवाद पर वो कटाक्ष करते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं कि किस तरह से योजनाएं केंद्र सरकार आगे बढ़ी है, देश को मान बढ़ाया देश का इस विश्व में, वो उनकी जो प्रमुख बातें रहती है। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करते हैं कि अगर देश का भविष्य बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है तो बीजेपी को सत्ता में लाना है, और यही कारण है कि आज भी उनके संबोधन जो इस इन्हीं बातों के तहत रहेंगे कि देश के लिए क्या किया गया है, आगामी किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा
जो कांग्रेस और अन्य दल है, इंडिया गठबंधन है, उस पर हमला लगातार प्रधानमंत्री अपने सभाओं में करते आ रहे हैं और ये कुछ आज यहाँ दिखाई देने वाला है। विष्णु, देखिए ये दौरे जो हो रहे हैं लगातार, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का दौरा जो है कितना माहौल बदलता है देखने वाली बात होगी। आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।